हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो 9 बजने वाले हैं रात के और आज 26 जनवरी है, तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमने फर्स्ट हाफ में तो शॉप बंद रखी थी और 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास हमने आज शॉप खोली और उसके बाद बहुत सारा काम करना था, वो सारा काम किया। अब समय हो चला है घर जाने का और आज ज़्यादा व्लॉगिंग मैंने की नहीं। और हमारी सोसाइटी के जो पार्क है उसमें भी बच्चों ने बहुत सारे डांस वगैरह किए, म्यूजिकल चेयर खेली, मतलब बहुत सारे गेम्स वगैरह थे। और क्या था नया अपडेट, क्या था, हाँ नया अपडेट ये था कि बहुत सारी ड्रेस वगैरह हम बना रहे थे और 2-3 दिन के बाद हमने ट्रैवल करना है, उत्तराखंड जाना है, तो बहुत बहुत व्लॉगिंग करूँगी, बढ़िया बढ़िया मस्त इन्जॉय करेंगे। तो ये एक अपडेट था और जाना है 30 या 31 में से 2 में से 1 दिन जाएंगे और तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, कुछ भी तैयारी अभी तक मैंने नहीं करी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ तैयारी की, क्योंकि आज 26 है, 27, 28, 29, 30, मतलब लगभग 3 दिन बचे हैं। कल का दिन भी अगर मैं काउंट करती हूँ तो 3 दिन ही मेरे पास बचे हुए हैं। लेट्स सी कैसे क्या करते हैं। और फिलहाल मैं निकलती हूँ घर के लिए और एक वीडियो एडिट करना है घर जा करके, जो कि कल मॉर्निंग में आएगा। एक और स्क्रिप्ट लिखनी है, उसका वीडियो बनाना है अध्यात्म ज्ञान वाले चैनल के लिए। बहुत सारे काम है मतलब, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लिया जा रही हूँ। और श्रेष्ठ जो हमारे शॉप पे लड्डू गोपाल जी, उनके दर्शन आपको करा देती हूँ। घर पहुँचते पहुँचते तो मैं थक भी जाऊँगी, लेट भी बहुत हो जाएगा, दर्शन तो कराती हूँ। उससे पहले एक ड्रेस देखी, ये निराक्षी ने बनाई थी, ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ड्रेस है रेखा ने बनाई थी, बस इसमें जो पर्पल वाला काम है ये मैंने किया, ये वाली एक छोटी ड्रेस बनाई है। और ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल्कुल मस्त। आज 26 जनवरी है तो ट्राई कलर तो नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग लगभग ट्राई कलर ही है, थोड़ा अगर कलर और अच्छे मैच कर जाते तो पूरा ट्राई कलर बन जाता झंडे वाला। तो ये है हमारे श्रेष्ठ, बोलिए राधे राधे। अब इनको मैं आराम करवा देती हूँ, ये रेस्ट करेंगे। एक ये भी ड्रेस बनाई हमने, सिंपल है कुछ, कभी कभी तो सिंपल ड्रेसेस भी अच्छी लगती हैं, तो हर बार तो हैवी ड्रेस नहीं बन सकती। और ये देखिए एक और ड्रेस दिखाती हूँ, कहाँ गई भैया कहाँ गई, ये रही देखो, ये थोड़ा सा चमकीला टाइप का धागा है, फैंसी ड्रेस बनी है इसकी, फैंसी। ये देखिए ये सारी ड्रेस कल किसी को जानी है, लगभग 18 ड्रेस और 18 की 18 बनी हुई है, तो ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं है। देखिए बहुत सारी यहाँ पे रखी हुई हैं, ये सारी यहाँ पे रखी हुई हैं और थोड़ी आगे भी रखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं निकलती हूँ शॉप से घर के लिए और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो हम आ चुके हैं आज इंद्रलोक, आप देख सकते हो इंद्रलोक आ गए हम और धागे लेने इसकी वजह से आए हैं। कितना ब्लॉगिंग हो पाती है कुछ नहीं पता, अगर हो पाएगी तो ब्लॉगिंग करूँगी, नहीं हो पाएगी तो नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको मार्केट के दर्शन में करा ही दूँगी दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे जो ये चौराहा है, कितना बड़ा फ्लैग है यहाँ पे। हाँ हम लास्ट में जाएंगे, लेकिन सो गाइज़ ये थी वो पर्टिकुलर शॉप जहाँ से हमने ख़रीदारी की धागों की। और बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग यहाँ पे पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा शोर शराबा है और उस बीच अपनी आवाज़ तो आती ही नहीं। तो चलो चले। बस मेला लगा है दोस्तों, कीर्ति नगर के मेट्रो स्टेशन में मेला लगा है। तो जी कैसे हो आप सब लोग दोस्त, क्या क्या बोल रहे? तो जी कैसे हो आप लोग। तो इंद्रलोक हम लोग गए थे, वहाँ से घर आते आते 2:30 बज गए थे, खाना वाना खा के शॉप पे आए, फिर मैं कोचिंग सेंटर गई, बहुत ढेर सारा काम किया, एक दो ऑर्डर्स थे कुछ बहुत, मीनाक्षी और रेखा ने बनाया, एक ड्रेस मैंने बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और थोड़ी ठंड ज़्यादा है आज, कल अच्छा मौसम था आज ठंड ज़्यादा है, तो आपको ड्रेस दिखाती हूँ और उसके बाद चलती हूँ घर। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये कितनी अच्छी मैंने पोशाक बनाई है।
मतलब ना ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है और बहुत बढ़िया लगी मुझे। ये 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है, इसका डिज़ाइन तो यहाँ तक, ये कुछ और ही बना रही थी मैं, बट क्या हुआ ना 4 नंबर की चोली थी और अगर वो पूरा डिज़ाइन इसके बाद 2-3 लाइन और थी तो और ज़्यादा डिज़ाइन बड़ा बन जाता, तो फिर मैंने इसको इतने में ही क्लोज कर दिया। और बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये जो पोशाक है ना ये नीलाक्षी ने बनाई है, पता नहीं कैसे इसको डिज़ाइन को बनाया है उसने, पता नहीं, लेकिन जैसे भी बनाया है ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। तो ये हम नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, तो नई चीज़ें तो वैसे भी ट्राई करती ही रहनी चाहिए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, आपसे मिलेंगे कल, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।